इश्वाक अहमद कहते हैं कि जिस पे कर्म है उससे कभी पंगा ना लेना, वो तो कर्म पे चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दोगे उड़ जाओगे। कर्म का फार्मूला तो कोई नहीं, इस कर्म की वजह ढूंढो। जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, मैंने जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पे रब का कर्म था, इसे आजिज पाया, पूरी अक्ल के बावजूद बस सीधा सा बंदा, बहुत तेजी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता देगा, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सादा बात करेगा। मैंने हर कर्म हुए शख्स को मुखलिस देखा, इखलास वाला, गलती को मान जाता है, माजरत कर लेता है, सरेंडर कर देता है। जिस पे कर्म हुआ है ना, मैंने उसे दूसरों के लिए फायदा मंद देखा। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़ात से नफा हो रहा हो और अल्लाह आपके लिए कुशादगी को रोक दे, वो और कर्म करेगा। मैंने हर साहिब कर्म को एहसान करते देखा है, अक्सर ज्यादा उसका दर्जा 13 का होता है, 12 का नहीं। अल्लाह के कर्म के पहिए को चलाने के लिए आप भी दर्जा 13 का करो अपनी जिंदगी में। हिसाब पे चलोगे तो हिसाब ही चलेगा। दिल के कंजूस के लिए कायनात भी कंजूस है, दिल के सखी के लिए कायनात खजाना है। जब जिंदगी के मामलात अड़ जाए, समझ जाओ तुमने दूसरों के मामलात अड़ाए होंगे। आसानियाँ दो, आसानियाँ मिलेंगी। नाजरीन डिवाइस पर मिलेंगी आपको उर्दू अदब, शायरी और शायरों के हवाले से मालूमात। अगर आप उर्दू अदब से दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।